जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही नया मॉडल पेपर आपके लिए लाया हूं, जिसमें कि बहुत सारे नए प्रश्नों को मैंने ऐड किया है और इसमें आपके लिए सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और मैथमेटिक्स के नए नए प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है, सिंधु घाटी का जो बंदरगाह नगर था वह लोथल नामक स्थान पर था। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, एमरजेंसी लगी थी, वो लगी थी 1962 को। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, फतेहपुर सिकरी की स्थापना का श्रेय किस मुगल शासक को जाता है? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है किया था अकबर ने, और यहाँ पर एक युद्ध की विजय के बाद जो है अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था। तो आपको मुझे बताना है कि किस पर विजय के बाद अकबर ने इसका निर्माण किया था, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, किस आयु तक के बच्चों को किसी खान या कारखाने में काम करने की मनाही है? अर्थात जो चाइल्ड लेबर है वो हमारे इंडिया में जो है कितनी उम्र तक के बच्चों को काम करने की मनाही है? तो 14 वर्ष जो है वह इसकी एक लिमिट है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वह किसी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह एक पर्वत श्रृंखला है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार नामक जल विद्युत जो परियोजना है वह केरल में स्थित है। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो इसका हेड क्वार्टर जो है वह है मनीला में। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, बजट 2019-20 के अनुसार असंगठित जो कर्मी हैं 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 की मासिक पेंशन किस योजना के तहत इनको दी जाएगी? जो अभी जो बजट सत्र हुआ था 2019-20 उसमें इस बात की घोषणा की गई थी। तो जो यह योजना है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इसके तहत जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जो यूएन है, यूएन में जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो कुल सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 15। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, इनका नाम है डेविड मालपस। तो आपको जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो अध्यक्ष हैं तो उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो बंकर शब्द है वह है गोल्फ से संबंधित। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, पद्म विभूषण सम्मान 2019 से सम्मानित व्यक्ति हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह है तीजन बाई जो है वे 2019 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित की गई हैं। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स स्टार हीमा दास जो हैं वह किस प्रदेश से संबंध रखती हैं? तो जो हीमा दास हैं जो कि आपकी एथलेटिक्स हैं, धावक हैं, तो ये किस प्रदेश से संबंधित हैं, किस राज्य की हैं? तो ये हैं असम राज्य की। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन हैं? तो जो अमृता प्रीतम
जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही आंसर है। अमृता प्रीतम जी जो थी इनको 1956 में साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार जो महिलाओं को दिया गया था, तो प्रथम महिला थी जिनको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था उनका नाम है अमृता प्रीतम। इनको 1956 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र जो लिखी है वह लिखी है विष्णु शर्मा ने, तो ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये है बेलिंडिया किस देश का उपनाम है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं चिली, मैक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो उपनाम है उसको बेलिंडिया नाम से भी संबोधित करते हैं, तो ये आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वैलेट ऑनलाइन विपणन कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा जारी किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं फोन पे, फ्रीचार्ज, एफटी कैश, आईटीजे कैश। तो जो इसका सही आंसर है वह है फोन पे, जिससे कि हम मोबाइल से दूसरे मोबाइल जिस किसी अकाउंट में क्या करते हैं पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे गूगल पे, फोन पे। तो जो फोन पे है वह फ्लिपकार्ट के द्वारा जारी किया गया है यह वैलेट, तो इसका जो सही आंसर है वह है फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2019 जोजीबिनी टुंजी किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये जो हैं मिस यूनिवर्स हैं, यहीं पर आप दो प्रश्न आपके बन जाते हैं कि मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी थी, तो उनका नाम यहाँ पर है और उसके साथ साथ ये किस देश की हैं, तो ये हैं साउथ अफ्रीका की। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत सरकार के जो आर्थिक सलाहकार हैं, जो आर्थिक मुद्दों पर भारतीय जो हमारी सरकार है भारत सरकार उसको सलाह देते हैं, तो उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो आपको लग रहा है कि कुछ अच्छे और नए प्रश्न आपके सामने हैं। इसके साथ ही इसी के मैं आप एक को और जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपके लिए ऐड करता हूँ कि जो हमारे देश के जो क्या हैं सुरक्षा सलाहकार हैं भारत सरकार के, वे कौन हैं? बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है और बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, तो आपको उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत सरकार के सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन हैं। मैंने आर्थिक सलाहकार आपको बताया कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिटजर पुरस्कार है निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट योगदान के लिए, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह दिया जाता है? तो यह जो पुरस्कार है यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी का संबंध इनमें से किस से है? जो आपने भीम ऐप देखा होगा वह इनमें से किस से संबंधित है? तो गरीबों के उत्थान से, पर्यावरण सुधार से, डिजिटल भुगतान से। तो यह एक ऐप है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं डिजिटली मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान इनमें से नहीं है वह है ग्रेनाइट, तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो यह जो संविधान संशोधन है वो यह है 86वां संविधान संशोधन विधेयक 2002, इसके तहत जो है मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको बताना है, तो जो इसका सही आंसर है वह है इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज, तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। ईंट पर नाच से भी आप कई बार इसको याद करते हैं, ईंट जैसे कि इलेक्ट्रॉन की की थी जे जे टॉम्सन ने, इसी तरह से प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने, और इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रॉन की थी चैडविक, जेम्स चैडविक ने। तो यहाँ पर ये आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? तो इनमें से ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ताप, दाब, माध्यम या फिर आर्द्रता। इनमें से ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि ध्वनि की चाल इनमें से कौन सा जो कारक है उससे प्रभावित नहीं होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो जो एक हॉर्स पावर होता है वह कितने वाट के बराबर होता है? तो एक एचपी जो होता है वह होता है 746 वाट के बराबर। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। अगला है, कैलामाइन किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो कैलामाइन जो है वह अयस्क है जिंक का। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं और जो सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया गया था वह था यूरिया, और इसकी जो खोज की थी ये की थी वोलर ने। नाम है यहाँ पर वैज्ञानिक का वोलर, इन्होंने प्रथम जो संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है यूरिया, इसकी खोज की थी। अगला है, कोशिका में केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी कोशिका भित्ति की खोज, और हैकल के द्वारा की गई थी हरित लवक की खोज, और कॉलिकर के द्वारा की गई थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। जो तीन चारों के चारों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद कर लेना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कॉलिकर के द्वारा की गई थी माइटोकॉन्ड्रिया, हैकल के द्वारा की गई थी हरित लवक, और रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी कोशिका भित्ति, और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी केंद्रक की खोज। तो इनको नोट डाउन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, थायमीन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो थायमीन जो है वह विटामिन B1 को कहा जाता है, जबकि विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लाविक, और विटामिन एच जिसको कि B7 भी कहते हैं इसको बायोटीन कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? तो स्रावित अग्नाशय से नहीं होता है, उसका नाम है पेप्सिन, जो कि यहाँ पर स्रावित होता है आमाशय से, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो आमाशय से स्रावित होता है पेप्सिन, जबकि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, न्यूक्लियेज और ये सारे के सारे जो हैं ये आपके अग्ना, और एक लाइपेज भी है, लाइपेज जो कि ये सारे के सारे जो है अग्नाशय से श्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति समय से बूढ़ा दिखाई देता है, एक बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा दिखाई देता है, तो यह किस हार्मोन के कारण होता है? कोई ना कोई एक ऐसा हार्मोन होता है जिसकी कमी या फिर वृद्धि के कारण यह होता है, तो यह हार्मोन कौन सा है? तो यह हार्मोन है STH हार्मोन, ठीक है, और इस रोग को कहते हैं साइमंड रोग इसको कहते हैं, जैसे कि व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा दिखाई देता है। और ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है एडिनो हाइपोफाइसिन, इस जो एक ग्रंथि है यहाँ से ये जो आपका हार्मोन है ये स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट की खोज किस आविष्कारक के द्वारा की गई थी? तो ये आप सब जानते हैं, डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी नोबेल पुरस्कार की, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार अभी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की उत्पत्ति से संबंधित फोटोन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो फोटोन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन आप जानते हैं, और लेकिन इसके साथ साथ न्यूटन ने भी एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने कणिका का सिद्धांत दिया था, और साथ साथ में जो हाइगेन है इन्होंने दिया था तरंग का सिद्धांत। तो न्यूटन ने दिया था आपके कण का सिद्धांत, हाइगेन ने दिया तरंग का सिद्धांत, और आइंस्टीन ने दिया आपके फोटोन का सिद्धांत। आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश जो होता है वो फोटोन के रूप में आता है, जिसमें कि न तो वो कण है न ही तरंग है, वो एक फोटोन है, ऊर्जा का एक ब्रैकेट आप उसको इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, फैराडे किस भौतिक राशि का मात्रक है? फैराडे जो है वह किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो फैराडे जो है वह विद्युत धारिता का मात्रक है, जबकि यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये मात्रक भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो रिसर्चेज होती हैं वो कहाँ पर होती है हमारे देश में, तो ये होती है रुड़की में, आईआईटी रुड़की में ये है। तो अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये प्रश्न पीएच मान से संबंधित है, जिसका कि आंसर है 6। तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। तो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य जो हैं इनको भी आप याद कर लें, तो काजीरंगा है असम में। अगला प्रश्न है, अब मैथमेटिक्स पर आते हैं, मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, 225 मीटर लंबे तार में से 4.5 मीटर लंबे कितने टुकड़े कटेंगे? तो इस क्वेश्चन को जो है आपको ज़रा सब्र से सॉल्व करना है। तो एक आपके पास तार है माना, वो 225 मीटर की है, अगर आपको इसमें से 4.5 की जो मीटर के लंबे टुकड़े तोड़ने हैं तो इसके कितने टुकड़े निकलेंगे? तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 225 में से डिवाइड कर देना है 4.5 को, तो आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो ये बन जाएगा 2250, ऊपर जीरो लग जाएगा क्योंकि हमको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ का पॉइंट हट जाएगा, तो हो जाएगा 45। अब हम इसको काटते हैं 5 से, तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ ऊपर 450 आ जाएगा। फिर हम इसको भी काटते हैं तो यहाँ पर 9 5 45 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 50। तो जो इसका सही आंसर है वो है 50। तो इससे हम जो है 50 टुकड़े काट सकते हैं 4.5 मीटर के। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है यदि उनका मॉसोपो 5 है और लॉसोपो इसका आपको ज्ञात करना है, यानी कि HCF जो है इसका 5 दे रखा है, आपको LCM इसका ज्ञात करना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला हमने बहुत पहले बताया था, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू होता है कि जो आपको दोनों संख्याएं दी होती हैं उनका मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी जो है आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले ही दे रखा है, यानी कि यहाँ पर 1000 आपको पहले ही दे रखा है, आपको इसके साथ साथ HCF 5 भी दे रखा है और आपको निकालना है LCM। तो LCM यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये 5 जो है 1000 के साथ इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 टू जा हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाता है 200, तो इसका LCM हो जाएगा 200। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, √5 + √3 √5 - √3 इसका मान कितना होगा? तो सिंपली आपको एक फॉर्मूला पता है, a + b और a - b का फॉर्मूला, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा और ये फॉर्मूला होता है a² - b²। अब जो है हम यहाँ पर a की जगह पर √5 रखेंगे और b की जगह पर √3 रखेंगे, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब √5 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाता है 5 और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, तो 5 - 3 हो जाएगा 2। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, तो ऑप्शन जो सी है, जो आंसर 2 है वो सही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, 60 का 60% + 50 का 50% कितना होगा? तो ये सिंपल सा है, 60 का यानी कि मल्टीप्लाई 60% यानी कि 60/100 और फिर प्लस 50 का यानी कि 50 × 50% यानी कि 50/100 हो जाएगा। अब यहाँ से ये दो जीरो से इसके जीरो और जीरो कट जाएगा, इसके दो जीरो से इसका जीरो और जीरो कट जाएगा, बाकी बचा हुआ 6 6 जा, तो 6 6 हो जाता है 36 और 5 5 हो जाता है 25। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 61। तो जो 61 है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं अगर जल्दी बता रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि 60 मीटर कपड़े का मूल्य ₹135 है तो 32 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? अब जो है इस प्रकार के प्रश्नों को जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे तो हम इसको निकाल सकते हैं लेकिन इसको हम और एक इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जो 60 मीटर कपड़ा है
और आपको एक दे रखा है 32 मीटर कपड़ा है, तो ये दशमलव वाले इससे करेंगे हम सॉल्व। और आपको ये दे रखा है कि 60 मीटर जो है उसका मूल्य है 135 रुपये, तो 32 वाले का आपको निकालना है, तो इसको आप एक्स मान सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये अनुपात है, इसको आप लिख सकते हैं 60/32 और यहाँ पर इक्वल 135/x। अब इससे आपको x का वैल्यू निकालना है, सिंपली आप x का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, आपको आता है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इससे आगे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से इसलिए x का जो वैल्यू होगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 32 × 135/60। अब आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो जो इसका सही आंसर है वो है 72, तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। यदि तीन व्यक्ति ए बी और सी 2600 रुपये का 11:18:23 में बांटें तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पर अनुपात दे रखे हैं आप उन सबको ऐड कर लीजिए, तो 11+18+23, तो इनको ऐड करने के बाद आ जाता है आपका 52। अब इसके बाद क्या करना है, तो क्योंकि हमने B का हिस्सा निकालना है कि भाई B को कितने पैसे मिले, तो B का हिस्सा निकालना है, तो सिंपली आपके पास टोटल रुपए थे 2600 रुपए, ठीक है, और B का कितना अनुपात है वो है 18 अनुपात में इसको मिला, और टोटल हमारा रेशियो कितना निकला, वो निकला 52। बस ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका निकल जाता है, तो ये आपका सॉल्व करके आता है 900। तो 900 आप इसको आसानी से सॉल्व करिएगा तो इसका जो सही आंसर है 900 रुपीज़, तो बी का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विपिन अपनी घड़ी को 5% हानि पर 190 रुपये में बेचता है, उसकी घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि उसकी जो उसको जो है उसने ये घड़ी जो है वो कितने रुपये में खरीदी थी, तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो है मान लेते हैं कि जो विपिन ने खरीदी है उसका जो क्रय मूल्य है, उसने जो बाय खरीदी थी वो जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़। अब 5% की हानि हुई तो यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो हो जाएगा 100 - 5, तो हो जाएगा 95 रुपीज़ का, ठीक है। अब क्योंकि जो इसका जो बेचने का प्राइस है वो 95 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, वो 100 होगा, सिंपल सी बात है। अब माना हमारे पास 190 रुपये में ये बेचता है, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 × 190/95। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से इसको सॉल्व करने के बाद आप निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 200 रुपीज़। अब आप मुझे बोलेंगे कि आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा इक्वेशन बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने का बारी आपका है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जो कि आप भी नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो, इसलिए आप आसानी अपने आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन उतना टफ नहीं है, आपको इसमें सिंपली पकड़ना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे। तो सिंपली इसके लिए एक जो समय के लिए एक फॉर्मूला आता है वो आता है, ये इजी ट्रिक आप इसको कह सकते हैं, तो समय बराबर हो जाता है xy/x+y। अब जो x है वो क्या है, a के काम करने वाले दिन, और y क्या है, b के काम करने वाले दिन। तो आप आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो x का कितना है 30 दिन है, y का कितना है 40 दिन है, अब इन दोनों को ऐड भी करना है तो 30 + 40 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 3 = 12 हो गया, तो 120 हो गया, डिवाइड x + y, तो 4 × 3 = 7 हो गया, तो ये 70 हो गया, तो यहाँ पर आपका 1200/70 आ गया। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एक पूर्ण संख्या नहीं आती है, जबकि आपके पास आती है एक भिन्न, और वह भिन्न आती है आपके पास 17 / 1/2, यानी कि 17.5 दिन उनको दोनों को एक साथ काम करने में लग जाते हैं। तो करिएगा इस प्रश्न को भी, वैसे तो बहुत ईजी इसको मैंने बना दिया है, आप ज़रूर करिएगा। अगला है, साहिल ने 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की, वह
80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस लौटा, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो टोटल जो डिस्टेंस था वह था 160 किलोमीटर का, ठीक है। जब वो गया तो उसकी स्पीड थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो वापस आया उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको निकालना है कि भाई इसकी औसत स्पीड कितनी थी, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज जो स्पीड है इसकी वो आ जाएगी आपका 2xy/x+y। सिंपल ही आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के लगाइएगा। एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं, अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है। अब यहाँ पर जो x है वो हो जाएगा आपका 64, y हो जाएगा 80। इसमें रखिए जरा वैल्यू, 2 × 64 × 80 हो जाएगा, और डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 64 + 80 हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए तो आपको जो आंसर है वो आ जाएगा 71.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड आपकी आ जाती है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 5, 3, 9, 7, 8 और 1 जो हैं संख्याएं हैं, आपको इनकी माध्यिका निकालने की, इनकी माध्यिका जो है वह क्या होगी। तो सिंपली इसकी माध्यिका निकालने के लिए आपके पास जो है, वैसे तो अगर इस पे 7 नंबर्स होते तो यहाँ पर जो बीच में आता वो उसका माध्यिका होता। माध्यिका क्या होता है, जो बीच में आता है, लेकिन यहाँ पर अभी 2 नंबर जो है वो बीच में आ रहे हैं, एक है 9 और एक है 7। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आपको इन दोनों को ऐड कर देना है और उसका मीन निकाल देना है। तो यहाँ पर जो है वो हो जाता है आपका 7 × 7 = 14 = 15 = 16 16/2 16/2 कितना हो जाता है, सॉरी यहां पर तो इसका हो जाता है 8। तो यहां पर जो 8 है वो इसका मीन हो जाएगा। तो जो सही अभी जो है यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है। एक्चुअली मैं इसको होना कैसे है कि पहले इसको आपको नंबर्स में लगाना है, यहाँ पे जो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें लगाना है। तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 9 आएगा। ये गलती हो रही थी, माफ़ी चाहता हूँ, गलतियाँ भी इंसान से ही होती हैं। अब जो बीच में है वो जो नंबर्स हैं ये हैं 7 और 5, ठीक है। तो 7 और 5 को हम ऐड कर देंगे क्योंकि इनमें से तो ये दोनों के दोनों बीच में आ रहे हैं, और इनका मीन निकाल देंगे। तो 7 और 5 यहाँ पर आ जाता है 12 और 12/2 हो जाता है। 12/2 कितना होगा, 6 होगा। तो इसका जो माध्यिका निकल जाएगी वो निकल जाएगी 6। तो गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, उम्मीद है कि आपको मॉडल पेपर काम का लगा होगा। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने ज़रूरतमंद साथियों को भी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हुई है तो आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, और मैं उन सारे प्रश्नों को एक दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको अलग प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमें मोटिवेट करते रहिए अपने लाइक्स के और कमेंट के साथ। इसी तरीके की वीडियोस हम आगे लाते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। आप भी हमारी मदद करिएगा वीडियो को शेयर करते हुए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।